हम सब ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में तो सुना ही है, बल्कि हम में से कई लोगों के पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होगा भी। और इन कार्ड का यूज हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे निकालने, ऑनलाइन पेमेंट या ट्रांजेक्शन करने में करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोगों के मन में आज भी ये सवाल होगा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। तो चलिए चलते अपने टॉपिक की तरफ। बेसिकली डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो ये एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि बैंक द्वारा इशू किया जाता है और ये हमारे सेविंग या करेंट अकाउंट से कनेक्ट रहता है। डेबिट कार्ड का यूज आप ATM मशीन से पैसे निकालने, ऑनलाइन पेमेंट या ट्रांजेक्शन करने में कर सकते हैं और ये पैसे आपके खुद के अकाउंट से डेबिट होता है जो आपने अपने बैंक अकाउंट में सेव किया होगा। यहीं पर बात करें क्रेडिट कार्ड की तो ये भी एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि दिखने में डेबिट कार्ड जैसा ही होता है, पर क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट या ट्रांजेक्शन करते हैं वो पैसा बैंक द्वारा दिया हुआ लोन होता है। लोन अमाउंट एक लिमिट में दिया जाता है, जैसे 50,000, 80,000 या 1,00,000 के लिमिट मंथली, और ये लोन आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर बैंक को लौटाना होता है। समय के अंदर लोन ना लौटाने पर लोन अमाउंट में कुछ इंटरेस्ट जुड़ जाता है और लोन जल्दी ना चुकाने पर इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। सिंपल भाषा में कहें तो डेबिट कार्ड से आप अपने खुद के पैसे अपने बैंक अकाउंट से निकालते हैं, वहीं पर क्रेडिट कार्ड से आप पैसे उधार लेते हैं उस बैंक से जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है। बैंक से डेबिट कार्ड इशू कराना आसान होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड मिलना आसान नहीं होता। जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए वो बैंक पहले ये सुनिश्चित करता है कि जिसे हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं वो क्या लोन लौटाने में सक्षम है या नहीं। बैंक आपका इनकम सोर्स, मंथली ट्रांजेक्शन, सैलरी और क्रेडिट या सिविल स्कोर चेक करता है। ये स्कोर जितना अच्छा होता है उतना ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी होगी और ये सब पॉइंट चेक करने के बाद आपका मंथली लोन लिमिट तय किया जाता है। क्रेडिट कार्ड पर बैंक द्वारा लगने वाले सर्विस चार्ज सामान्य तौर पर डेबिट कार्ड से ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये थे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच का डिफरेंस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।